चलो रेगिंग पे थे हम लोग, यहाँ पे आ जाते हैं रेगिंग पे। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे देखा, मेरे पास इतना सारा पार्ट देखा, कंट्रोल एंड स्पेस बार। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना, तो यहाँ पे देखना भाई, मेरे पार्ट है यहाँ पे, तो इसको और इसको देखो देखो। ठीक है, इस चीज़ को मैंने मैनेज किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, देन दिस वन सेलेक्ट करो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास है, अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, एक सिंपल सा पार्ट है, टाइम स्लाइडर एंड रेंज स्लाइडर। मुझे कुछ चीज़ों को ऐसे रखना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक कर सकूँ यहाँ पे। ठीक है, हेल्पलाइन, ताकि अगर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर दिक्कत लगे तो मैं देख सकूँ। कॉन्स्टेंट में गए हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया, कोलेक्टर, कोलेक्टर करते हैं, देन डन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने देखा चीज़ सही है, नीचे कोई एरर नहीं आया, तो मतलब सही है। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे क्रॉस चेक कर, देखो यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देखो यहाँ पे अभी और क्रॉस चेक करें, यहाँ पे जो मैं चीज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या है, मेरे पास अभी मेरे पास आई के साथ हम लोग जब कोई चीज़ मैनेज करने वाले हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो चीज़ों को मैं यहाँ पे किसको सेलेक्ट करूँ, ये मेरे पास चीज़ें हैं। मेक श्योर थोड़ा सा कभी ऑल्ट बी करके, ठीक है, इनको देखने पर ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके देखें यहाँ पे कि मैं बस ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। पहले मैं अंडू अंडू कर दूँ, ताकि मैंने अभी जो भी काम किया वो एक बार रिसेट हो जाए यहाँ पे। देखो यहाँ यहाँ पे दोनों में क्रॉस चेक करना है कि देखो ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसको इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको या फिर इसको सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ गए हम लोग, यहाँ पे कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट में गए कोलेक्टर। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर देखो ये टर्न हो रहा है, यहाँ पे ये टर्न होना चाहिए, ताकि हम लोग जब देखें तो यहाँ से उन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ। तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ से देखिएगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास चीज़ें कैसी हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया दिस वन एंड दिस वन, देखो दोनों ही सेलेक्ट होना चाहिए, ध्यान देना क्या। ठीक है, देन कॉन्स्टेंट में गए एंड कोलेक्टर, देन देख रहे हैं यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट, ये कब काम आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो सबसे पहला काम कंट्रोल एंड ए। ठीक है, ऐसा चैनल बॉक्स देखो यहाँ पे, सिंपल आपको चैनल बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये इधर से इधर मैं मूव कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे इसको जीरो करता, तो जीरो पे देखो, जीरो पे कैसा आ रहा है। अब ये चीज़ मुझे मैनेज करना है, तो मैंने अभी देखो यहाँ पे, मैं अब यहाँ पे मैं मैनेज कर सकूँ, इससे पहले क्या काम आएगा, इससे पहले काम एक छोटा सा पार्ट अंडू करता हूँ, मैंने सब कुछ अंडू किया यहाँ पे। ठीक है, मेक श्योर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये टर्न तो नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो अंडू अंडू किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास पहला काम क्या होगा, इन सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देखूँ। मेरे पास यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक किया, फ्रीज एंड ऑल, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कर लें तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है, इसलिए मैंने स्टेप दिखाया। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्टेटस लाइन होता है आपके पास यहाँ पे, और देन आपके यहाँ पे सेल्फ होता है। सेल्फ के अंदर आपके पास यहाँ पे नॉर्मली पॉली मॉडलिंग करता है, ये यहाँ पे वन देख रहे हैं, वन टू एंड थ्री, ये तीनों बटन कर लोगे तो अपने आप सबको सही हो जाएगा। मतलब देखो अपने सेंटर पॉइंट पे हो गया, यहाँ पे सबको जीरो भी हो गया। तो अब ये कब काम आता है, जब मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया ऑल्ट भी, अभी इन चीज़ को अगर मैं देखूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, मूवमेंट में जा रहा है। ठीक है, ये मैं बस पहले नहीं, ये पहले ये करते, मैंने इस वाले पार्ट को ऐसा सेलेक्ट कर दिया, कॉन्स्टेंट में गए और पोल वेक्टर, देखिए यहाँ पे हुआ। अभी कोई यहाँ से मैंने इधर भी कर दिया, तो मैं यहाँ पे जीरो कर दूँगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक सही जगह पर आ जाएगा। तो ये मेन फंडा होता है क्या, कि अगर हम यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, कॉन्स्टेंट में गए एंड हम लोगों ने पोल वेक्टर यहाँ पे सेट कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने किया ये पार्ट यहाँ पे, अभी इसको मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ गुड। ठीक है, बाद में मुझे जब भी करना होता है यहाँ पे जीरो कर दूँगा, तो मेरे पास काम आसान हो जाएगा। तो ये मेक श्योर हर जगह करना चाहिए, किसी जगह मैंने नहीं किया तो आप इन चीज़ को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे है देखो, किसी किसी में अगर मेरे पास कोई पार्ट नहीं देखे, वैसे तो कर रखा है, बाई चांस कहीं अगर मैंने मिस किया तो आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए हमें ये चीज़ तो करना है। अब देखो यहाँ पे मैं पार्ट देखना, यहाँ पे अब देखो ये मेरे पास ऐसे भी काम कर, देखो यहाँ पर अगर ये टर्न ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ये टर्न है, तो मैं इसको यहाँ से मैं इसको ऐसे टर्न कर सकता हूँ, है ना। ये अभी आपको समझ में आ रहा है कि भाई इसका काम क्या है, मेनली रिक के अंदर काम होता है। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो ये आ गया ऊपर, है ना। इसको मैंने इधर से उधर सेट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ये जीरो कर दिया। तो अभी आपको ये इसका आइडिया मिल गया कि हम लोगों ने फ्रीज ट्रांसफॉर्म क्यों किया, किस लिए किया। तो ये एक मेन पार्ट आपके यहाँ पे आएगा कि हमें रिगिंग के अंदर हर एक जो भी कंट्रोलर बना रहे हैं सबके अंदर ये पार्ट हो। ठीक है, जैसे मान लो ये सिंपल वाट फाइल को मैं सेवेस करता हूँ यहाँ पे, कि भाई मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, और यहाँ पे 1.1 मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सेव कर दिया। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ,
सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, मेरे पास चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, सबसे पहले सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट में जाके जॉइंट्स, ठीक है, एंड देन आप यहाँ पे इन चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आपके यहाँ पे ये पार्ट आपने सेलेक्ट कर रखा है, ये जस्ट क्रॉस चेक के लिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, बाइंड स्क्रीन बाइंड करके देख लें यहाँ पे। तो अभी अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करूँ तो मेरे पास ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरे पास ऐसे कुछ काम कर रहा है। मैं अभी देखो ऊपर का बोन सेटअप होगा तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे मेरे पास सभी कुछ ऐसा नहीं है। तो हम लोग इन चीज़ों को ऐसे करके देख सकते हैं, मेरे पास ऐसे कुछ पार्ट है, सबको कंबाइन करके मैनेज करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। कंबाइन करने ग्रुप में करके काम करो तो काम हो जाएगा, मतलब अभी ये तक हमने जो किया वो सब कुछ सही जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा पार्ट हमारे यहाँ पे देखिए कि हम लोग को किस टाइप से काम करना है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक हमारे पास क्रॉस चेक हो जाएगा कि हम जो रिगिंग करें वो सही तरीके से करें। मेन इसका था, फिर हम लोग स्पाइन पे, हैंड पे और हेड पे सब कुछ डाल के सेट करेंगे तो ईजी हो जाएगा। बोन सेटअप लगाने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन हाँ इसके लिए अगर आपको मैं बोलूँ, आपको आपको की ड्राइव और ड्रिवन पे आपको काम करना पड़ेगा, खासकर हाथ और पाँव के लिए, ताकि जब हम लोग कंट्रोलर बनाएं तो बहुत अच्छा हो। जैसे हमने हल्क वाले पे काम किया था, करते सेलेक्ट करते हैं मोड़ना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पर कंट्रोल ऐसा बनाएंगे ताकि फिंगर्स एक बार में सही हो सके। तो चलो अभी वो हम लोग आगे देखेंगे क्यों। चलो एक काम करते हैं यहाँ पे, हम लोग इसके पाँव के एक शूज़ रेडी कर लेते हैं। छोटा सा शूज़ मुझे चाहिए, बहुत बेसिक सा, मुझे यहाँ पे जो भी कोई काम करना है इस टाइप से काम करना है। देखिए मैं यहाँ पे तो एक आइडिया दे दूँ कि मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ फोकस। एक आपको आइडिया ऐसे भी मिल जाना है, क्योंकि जो काम हमें हैंड में करना है वही लेग में करना है। तो अभी मैं चाहता हूँ, मेरे पास थोड़ा सा शूज़ है, इसका शूज़ मैं बनाना भूल गया था, ठीक है। तो इसका शूज़ भी हम लोग कवर कर ही लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत बेसिक से मैं मॉडल करने वाला हूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं वर्टेक्स पर, तो यहाँ पर जब सिलेक्शन होता है और भी चीज़ें सेलेक्ट होने के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ बाकी चीज़ों के लिए। यहाँ पर जैसे मेरे पास ये पार्ट है एच फॉर हाइट, ठीक है। यहाँ पर शो में जाकर आपके पास कई ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, आई के एफ के जॉइंट्स, ठीक है। शो में गए आपने जॉइंट्स ऑफ कर दिया तो आपके यहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये आपने सेट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पार्ट दिख रहा है आपके सामने, फोर्स कार्टूनिक ही है तो मैं इसमें थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को मैं मैनेज कर देता हूँ। रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है, एन जी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन, ठीक है। जैसे मैं इस पार्ट में उसको उस टाइप से मैं मैनेज करने वाला हूँ, फ्लैट करना है तो फ्लैट ही रखेंगे। आपको पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है तो एजेस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, वर्टेक्स है ना, कर सकते हम लोग यहाँ पे। और थोड़ा सा पार्ट में यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट में ऐसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इस वाले पार्ट को इधर, अभी कोई ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर पे ही लेके चलना पड़ेगा क्या, ताकि मैं जो है को मैं मैनेज कर सकूँ। यहाँ पे देखो ऐसे ही करके, ठीक है। लेफ्ट में गए, यहाँ पे क्या मैंने, रिंग एंड स्प्लिट, वर्टेक्स, ठीक है, ओके। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ, बस छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिया यहाँ पे, ये काइंड ऑफ 4-5। यहाँ देखो यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो बेसिक से। मैं बस शूज के अंदर जो बेसिक पार्ट क्या होता है, ये पार्ट आपके यहाँ से टर्न होना स्टार्ट हो जाता है अंदर की तरफ। तो फुट है तो आपको शूज़ बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर सकते हो, छोटा सा पार्ट यहाँ पे, ये शूज़ मैंने यहाँ पे कर दिया बेसिक से। तो सा टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ को आराम से मैनेज कर दूँगा। मेरे पास कोई सेफ, मेरे पास कैसे जा रहा है यहाँ पे। अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास ये पार्ट इधर से भी मेरे पास मैनेज होगा क्या यहाँ पे, ठीक है। इसलिए देखो मैंने कई मॉडल के अंदर मैंने ना स्कल रख के भी मैंने मॉडलिंग बताई है। उसमें क्या होता है कि आपको आइडिया मिल जाता है कि आपको काम कितना करना है। यहाँ पे मेरे फेसेस कितने हैं, 1-2, यहाँ पे शिफ्ट एंड मैंने एक्सट्रूड ऐसे घीच दिया तो मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। शिफ्ट एंड ये पार्ट मैंने कर दिया यहाँ से, मैंने थोड़ा सा मैंने शिफ्ट एंड ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। अंदर थोड़ा सा मुझे डेप्थ दिखाना, मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ठीक है। प्रेस कर दो 3 तो बेसिक सा शेप मुझे बनाना है, कार्टूनिक ही बनाना है। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे मेरे को अभी नहीं जाना, ठीक है, कि मैं यहाँ पे अभी प्योर मैं शूज़ मॉडल ही मैं करने लगा हूँ तो वो तो मुझे अभी नहीं, फिलहाल में नहीं देना मुझे, ठीक है, ओके। एजिस मुझे देना है तो मैं एजिस के अंदर मैं दे सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट। बेसिक सा मेरे पास शेप यहाँ पर आ जाए, ठीक है। ये पार्ट दोनों को सेलेक्ट कर दिया, दिस वन एंड दिस वन, 2 वर्टेक्स, 10 शिफ्ट एंड एवरेज, ये पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है। तो मैंने कहा ना शूज बहुत डिटेल में नहीं जा रहा मैं, तो इतना मेरा जिससे काम चल सके यहाँ पे, बस इतने ही पार्ट में मुझे यहाँ पे काम करना है ताकि थोड़ा सा मैं चीज़ों को दिखा सकूँ यहाँ पे स्केलिंग। ठीक है, दिस वन ऑर्थो स्केल काम कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चाहिए तो मैं ऐसे कुछ काम कर सकता हूँ, यहाँ से मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं फ्लैट वाले शूज़ बना रहा हूँ, इसमें क्या हील वाला, तो ये पार्ट ऐसे फिर मुझे नीचे टर्न करना पड़ेगा, तो हील नहीं बना रहा, सेलेक्ट करके एक शूट कर देंगे तो काम हो जाएगा, बैलेंस करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट इसको मैंने यहाँ पे थ्री प्रेस किया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया स्विफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ से मैंने ठीक है इसको मैं हार्ड कर देता हूँ बस इतना पार्ट यहाँ पे। ठीक है, कहीं लगे मुझे ज़्यादा मेहनत किया तो मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करके ये मैंने आगे कर्व बना दिया ताकि कम्फर्टेबल है, बेसिक का शूज़ हमारे पास रेडी है, इससे ज़्यादा हमें चीज़ों को मैनेज नहीं करना। अगर लगे कि मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही काम करना है तो मैं इसको पिचका के स्केल करके 4 and 5 यहाँ पे और फॉर स्केल ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ चिपका के देना है, मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे करके चाहोगे तो ऐसे भी चीज़ों को फुलफिल किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर तो बैलेंस होना जरूरी था, तो वो सब बेटर लगे, पर उसी का पार्ट है, ऐसे नहीं लगे अलग कोई पार्ट है। देख रहे हैं यहाँ पे कहीं, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मुझे अलग दिखा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया एडजस्ट को मैंने लिया यहाँ पे भाई ये पार्ट और ये पार्ट। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये पार्ट हम लोग ऐसे बना सकते हैं। अभी मुझे सेम चीज़ यहाँ पे मुझे काम करना है तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करके कर लूँगा, तो ठीक है वो पार्ट हम लोग ऐसे करके मैनेज कर दें तो मेरे पास यहाँ पे सोर्स का पार्ट भी आसान हो जाएगा। अब मैं इसके अकॉर्डिंग भी कंट्रोलर बना के काम कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैंने क्या 1 2 3 कर देंगे, ये सारा सब कुछ सेट हो गया यहाँ पे, WDNVN मिडिल माउस बटन, मतलब DNX करना ताकि आपका ग्रेड पे, देखो ये टर्न हो गया यहाँ पे डी और एक्स, एक्स आप यहाँ से शिफ्ट करो, यहाँ देखो आ जाएगा अपने आप यहाँ पे। एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल एक्स में बाई डिफॉल्ट है ही, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया माइनस कर दिया, अप्लाई कर दिया यहाँ पे, काम खत्म। इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। दिस वन ठीक है, अगर लगे आपको डिटेल में काम करना तो आप शूज के मॉडलिंग है चैनल पे आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या करना है सिंपल सा पार्ट, ज़्यादा नहीं ऐसे कुछ करके मैनेज कर देंगे बस। तो अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ, जो फुट का कंट्रोलर बनाया मैं उसको बना के काम कर सकता हूँ क्या।